Hello my dear friends, my name is Sachin Kohli from Muscle Masters and we are back with another video, very interesting video we are back with today. And ये जो वीडियो है, ये वीडियो कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि आप होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा. जो मेरा लास्ट वीडियो था, मेरा लास्ट वीडियो बात करता था जिम ट्रेनर सर्टिफिकेशन के ऊपर. हमने जितने भी वीडियोस किए जिम ट्रेनर सर्टिफिकेशंस के ऊपर, उसका हमने कंसोलिडेटेड क्वेश्चन एंड आंसर राउंड बनाया. नहीं देखा तो जाके देखिए. अगर आप एक जिम ट्रेनर है और अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज बट वी हैव डन ऑन जिम सर्टिफिकेशन लास्ट टाइम, जिसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर किए थे जिम सर्टिफिकेशन के ऊपर. दिस वीडियो विल टॉक अबाउट जिम सेटअप कंप्लीटली. लंबा वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स? द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो हियर इज दैट चेतन विल आस्क द क्वेश्चंस. चेतन मेरे से प्रश्न पूछेंगे जिम सेटअप के ऊपर और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा ऑनेस्टली उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊं. एंड वी विल बी हैविंग फ्यू क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस हैं और कोशिश किया है कि इन 8 से 10 क्वेश्चंस के अंदर जितना भी जिम सेटअप का मटेरियल है वो सबका सब समेटा जा सके. सो ओवर टू चेतन. चेतन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सर, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ जिम? ओके, नाउ सबसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि कितना पैसा लगता है एक जिम ओपन करने के लिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सारे पुराने वीडियोस देखेंगे और चेतन उन वीडियोस के अंदर अगर आप भी देखेंगे तो उन वीडियोस के अंदर मैंने क्या बताया है, उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि आपके लिए कोई सेट अमाउंट नहीं है कि कितना पैसा लगेगा जिम ओपन होने के लिए. ये एक रिवर्स गेम है. रिवर्स गेम का मतलब ये है दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट काइंड ऑफ मनी यू हैव. इफ यू हैव लेट्स से 20 लाख रुपीस, यू कैन इजीली ओपन अ जिम इन 20 लाख रुपीस. इफ यू हैव 40 लाख रुपीस, यू कैन इजीली ओपन जिम इन 40 लाख रुपीस. इफ यू हैव 2 करोड़ रुपीस, यू कैन ओपन जिम इन 2 करोड़ ऑल्सो. हाउएवर यू नीड टू सी, ये रिवर्स है, इसको ध्यान से समझिए कि आपके जो ऑडियंस है, आप जिनके लिए ये जिम ओपन करना चाह रहे हैं वो किस प्रकार के ऑडियंस है, उनको किस प्रकार की मशीनरी लगेगी, फिर उसके हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए कि कितना पैसा जिम ओपन करने के लिए जरूरी है. देर आर different kind of cities in one state. For example, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में हमारे पास साउथ दिल्ली भी है, नॉर्थ दिल्ली भी है, वेस्ट दिल्ली भी है, ईस्ट दिल्ली भी है. हर प्रकार की दिल्ली के अंदर हर प्रकार का कस्टमर है, हर प्रकार के जोन के अंदर हर प्रकार का कस्टमर है. तो यू नीड टू सी कि जो आपका कस्टमर है वो 200 रुपये महीना देने वाला है या वो 15,000 रुपये महीना देने वाला है. अगर वो 200 रुपये महीना देने वाला है तो सेटअप उसके हिसाब से है. अगर वो 15,000 रुपये महीना देने वाला है तो उसका सेटअप उस हिसाब से है. देन एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर दैट It is not like that कि you, it's a simple story कि आपको सीधा सीधा 40 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए जिम ओपन करने के लिए. ऐसा नहीं है. जिम कैन बी ओपन इन एनी बजट, इन एनी एरिया. अगर आपके पास 10 लाख है, हम आपका जिम 10 लाख में भी ओपन कर सकते हैं. अगर आपके पास 20 लाख है, 20 लाख में भी ओपन कर सकते हैं. 50 लाख है, 50 लाख में भी ओपन हो सकता है. तो देर इज नो रॉकेट साइंस इन द कम्प्लीट स्टोरी कि आपको इतना ही पैसा चाहिए एक जिम ओपन करने के लिए. The next question is, how much area is required to open a gym? Okay, after funding, okay, कि कितना पैसा चाहिए, हमेशा मेरे पास एक प्रश्न आता है कि कितना एरिया चाहिए एक जिम ओपन करने के लिए. देखिए दोस्तों, ये भी डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि एक सेट मंत्रा है इसके ऊपर कि आपको 1500 स्क्वायर फीट एरिया ही चाहिए, या आपको 2500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, या आपको 3500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए. ये एक मतलब ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हर किसी के लिए अलग अलग है. आप किस प्रकार की फैसिलिटी खोलना चाह रहे हैं, आप अपनी फैसिलिटी के अंदर क्रॉसफिट भी खोलना चाह रहे हैं, आप अपनी फैसिलिटी के अंदर एक अलग स्पिनिंग स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं. अब कहीं जिम है जो 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर बने हुए हैं, जिसके अंदर 5,000 स्क्वायर फीट के अंदर उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, 2,000 स्क्वायर फीट में उन्होंने एकेडमी बनाई हुई है, 3,000 स्क्वायर फीट में उन्होंने अपना जिम ओपन किया हुआ है. सो मोटा मोटा ये है कि अगर आप सिर्फ एक जिम खोलना चाहते हैं तो 2,000 से 2,500 स्क्वायर फीट इज अ गुड एरिया टू ओपन अ जिम. हाउएवर जैसे जैसे आप फैसिलिटीज ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे आप और एरिया उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे. चेतन, हैव आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन? यस सर. यस. सो व्हाट इज बेटर, टू ऑप्ट फॉर ओल्ड इक्विपमेंट्स और न्यू इक्विपमेंट्स? ये बहुत प्रश्न आता है कि पुराने इक्विपमेंट्स खरीदे जाएं या जब हम जिम सेटअप कर रहे हैं नए इक्विपमेंट खरीदे जाएं. तो माय डियर फ्रेंड्स, old equipments and new equipments, it is always better to go for new equipments. However, हमारे पास कुछ clients आते हैं जिम सेटअप मास्टर्स के तहत जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा हाई बजट्स नहीं होते, और जब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा हाई बजट्स नहीं होते तो आप पुराने इक्विपमेंट्स भी परचेस कर सकते हैं. जितने भी स्ट्रेंथ है, जब भी आप पुराने इक्विपमेंट खरीदने जाएंगे तो याद रखिएगा, जितना भी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो हमारा स्ट्रेंथ मशीन्स हो गई, जो हमारी वेट लिफ्टिंग मशीन्स हो गई, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो तो लोहा है.
एट द एंड ऑफ द डे उनका कुछ भी खराब नहीं होगा। तो स्ट्रेंथ तो आप सेकेंड हैंड परचेज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। मैट्रिक जैसी कंपनी की, इम्पल्स जैसी कंपनी की, बीएच जैसी कंपनी की आपको जो सेकेंड हैंड मशीनरी है वो बहुत सस्ती मिल जाती है। हमारे खुद के पास कुछ बहुत सारे जिम आते हैं जो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि 50-50 लाख का सेटअप 15-15 लाख में बिक रहा है, 16-16 लाख रुपये के अंदर बिक रहा है। इस तरीके से वो आपको उसका पैसा इतने सस्ते में मिल जाता है। हाँ, सेकेंड हैंड मशीनरी के अंदर जब आप कार्डियो खरीदने जाएंगे तो ये जरूर से देखिएगा कि कार्डियो यानी कि ट्रेडमिल, साइकिल और इलेक्ट्रिकल, उनकी एक लाइफ होती है, उनकी कंडीशन अच्छे से जज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उनकी कंडीशन अच्छी है तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, आंख बंद करके बाय कर सकते हैं पुराना इक्विपमेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पुराना इक्विपमेंट बाय करने में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपको ब्रांड, बड़े से बड़ा ब्रांड सस्ते से सस्ते में मिल जाता है। एंड यू कैन एक्चुअली सेटअप योर जिम, जो आपका जिम 50 लाख रुपए के अंदर सेटअप होना था वो आप इजी टू इजी उस जिम को आप 25 से 30 लाख रुपए के अंदर भी सेटअप कर सकते हैं। हमने करंटली कई जिम सेटअप किए हैं जो 50-50 लाख के जिम थे, हमने 25-25 लाख रुपए के अंदर सेटअप करके दिए हैं, 20-20 लाख रुपए के अंदर सेटअप करके दिए हैं। सो द पॉइंट ऑफ सबमिशन हियर इज, जब भी आप इक्विपमेंट ले तो ये ध्यान से देखिए कि इक्विपमेंट की कंडीशन क्या है। स्ट्रेंथ की कंडीशन चाहे जितनी भी खराब हो, स्ट्रेंथ की कंडीशन रिपेयर हो सकती है। हाउएवर अगर ट्रेडमिल, कार्डियो, इलेप्टिकल्स जो है आपकी, उनकी कंडीशन ओके नहीं है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर न्यू इक्विपमेंट्स इन कार्डियो एंड स्ट्रेंथ का आप हमेशा से ही ओल्ड इक्विपमेंट ले सकते हैं। राइट चंदन? यस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट लोन अंडर क्रेडिट गारंटी टर्म। ओके, नाउ गाइस, ये कि ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन मेरे पास बहुत ये क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी कॉल्स है, इतनी इंक्वायरीज है, इतना कुछ मेरे से पूछा जाता है कि ये इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा जो प्रश्न मेरे से चेतन ने पूछा कि सीजीटी के अंडर जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो जो भी आपके जिस बैंक में आप गए हैं उस ब्रांच मैनेजर ने आपको लोन देने से मना कर दिया, और सीजीटी के अंदर यानी क्रेडिट गारंटी टर्म जो कोलेटरल फ्री लोन है, आपको अपने इक्विपमेंट्स के लिए वहाँ से लोन नहीं मिल पाया, तो दोस्तों बस मैं इस प्रश्न का आंसर इस तरीके से देना चाहूँगा कि गेटिंग लोन अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ये आपका राइट है, आपको कोई भी बैंक डिनाई नहीं कर सकता। जब मैंने सबसे पहले अपना कैरी बॉन्ड शुरू किया था आज से 4 साल पहले, मैंने भी इसी स्कीम के अंदर लोन लिया था। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये स्कीम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा हॉट है, इस स्कीम के थ्रू आप लोन ले सकते हैं क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। अगर आपको कोई ब्रांच मैनेजर मना कर रहा है कि आपको इस स्कीम के थ्रू लोन नहीं मिल सकता, तो ये आपका राइट है, आप उसको रिपोर्ट कीजिए और आप इसके अगेंस्ट फाइट कीजिए। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट इज फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, हेल्थ उसके अंदर एक इंडस्ट्री है, एंड Our gym industry comes under credit guarantee term only. Process is very simple. Process बिल्कुल वैसा है एक normal loan की तरह है। एक normal loan के अंदर आपके पास collateral होता है, गिरवी रखने को सामान होता है। इस loan के अंदर आपके पास किसी भी प्रकार का collateral नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं, आप normally एक credit guarantee trust के through insurance कराते हैं जो आपके loan को insured करता है। Right? Right, Chetan? Yes. Yeah. Sir, how can we get into venture capitalization? Okay, the next process here is, ये भी बहुत क्वेश्चन आया जब मैंने एक venture capitalization के ऊपर वीडियो बनाया था। Guys, सारे वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव है, let me tell you, जितने भी वीडियोस जो सेटअप के ऊपर किए गए हैं they are highly informative videos। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने पुराने सीरीज पूरा जो मैंने जिम सेटअप के ऊपर शूट किया अगर आपने नहीं देखा तो जाइए वो पूरा सेटअप देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक वीडियो बनाया था हम लोगों ने वेंचर कैपिटलाइजेशन के ऊपर, उस वीडियो के अंदर इतने सारे कमेंट्स आए थे और उस वीडियो के अंदर ये बोला गया था कि सचिन सर एक फॉलो अप वीडियो बनाइए जिसमें ये बताया जाए कि वेंचर कैपिटलाइजेशन को किस तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट जो लोग हैं जो आप लोगों को पैसा देते हैं उन लोगों तक किस तरीके से पहुंचा जाए। तो गाइस आंसर इज वेरी सिंपल, जाइए गूगल खोलिए, गूगल के अंदर टाइप कीजिए लिस्ट ऑफ वेंचर कैपिटलाइजेशन, आपको 50 वेंचर कैपिटलिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। वहां से आपकी वेबसाइट पर अपना डेटा एंटर कीजिए, अपना आईडिया एंटर कीजिए, अपना फ्रेंचाइजी सिस्टम एंटर कीजिए, जिस भी प्रकार के थ्रू आप उनसे पैसा मांगना चाहते हैं उसको एंटर कीजिए, एंड जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट लोन अंडर वेंचर कैपिटलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाए, द आंसर इज वेरी सिंपल, उनकी वेबसाइट्स हैं, अलग अलग नाम है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता इसलिए मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। आंसर बिल्कुल सिंपल है, जाइए गूगल कीजिए, इंटरनेट की दुनिया में ये सब लोग बहुत इजीली अवेलेबल हैं। बस आपको गूगल की फील्ड पे क्या लिखना है, लिस्ट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट्स। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट लिखेंगे तो आपके पास 100 से 500 वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाएंगे जो तैयार है आपका आइडिया सुनने के लिए और आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट आइडियल टू ओपन अ जिम इन अ एरिया व्हिच ऑलरेडी कंटेन्स अ लॉट ऑफ जिम्स। ओके, नाउ दिस
क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन बहुत बार आया मेरे पास, और जो भी मेरे से मिलने आता है, जब भी हम मीटिंग करते हैं एक नए जिम सेटअप की, जो भी मेरे से मिलने आता है वो मेरे को सीधे आते यही बोलता है कि एक लोकेशन है मैंने फाइनलाइज की है और उस लोकेशन पे मैं जिम ओपन करना चाहता हूँ, हाउएवर उस लोकेशन के आसपास ऑलरेडी 5 जिम हैं, ऑलरेडी 6 जिम हैं, और एक ऐसी लोकेशन है जो लोकेशन बहुत बढ़िया लोकेशन है, सचिन सर आपने जब वो वीडियो किया था लोकेशन वाला तो आपने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी लोकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल उस वीडियो से मैच करती है लोकेशन, हाउएवर उस लोकेशन की बेसमेंट में भी जिम है, तो इतना जिम है, क्या ये बेनिफिशियल है कि आप ऐसी लोकेशन पे जिम खोलें जहाँ पे ढेर सारे जिम है? आप ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, राइट? सो द पॉइंट ऑफ सबमिशन चेतन इज वेरी सिंपल, इस बात को समझिए कि सबसे पहले ये बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप एक आइसोलेटेड जगह ढूंढ पाए अपने जिम ओपन करने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोकेशन आपको पसंद आई है उस लोकेशन के आसपास 5 जिम है 6 जिम है, फर्क क्या पड़ता है कि आप उन 5-6 में बेस्ट है कि नहीं। वेरी सिंपल आंसर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उन 5-6 में से बेस्ट है तो अपॉर्चुनिटी एरिया है, यानी कि अगर उस लोकेशन में ऑलरेडी 5-6 जिम है, यानी लोगों के पास ऑलरेडी जागरूकता है वहाँ पे हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, जिम्स के लिए, तो यू नीड नॉट टू वरी ऑन दैट। व्हाट यू नीड टू बी वरी इज टू बी बेस्ट। कभी मत घबराइए कि आपके जिम के साथ 2 जिम और खुल रहे हैं, आपके जिम के साथ 3 जिम और खुल रहे हैं, आपका जिम अगर अकेला है और आपके जिम में फैसिलिटी नहीं है तो लोग उसी को ही छोड़ के चले जाएंगे, बात यही पे खत्म हो जाती है, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जिम 5-6 जिम है, 7 जिम और आपका जिम वहाँ पे बेस्ट है तो पीपल विल रिमेन विद यू। अगर आपका मैन पावर बेस्ट है, आपका स्टाफ बेस्ट है, आपका इक्विपमेंट ठीक है, आपका जिम साफ है, तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। 5-6 क्या, वहाँ पे 50 जिम भी आ जाए, 60 जिम भी आ जाए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। That's what exactly you need to understand, my dear friend. So, बिल्कुल मत घबराइए, location ideal है, location MCD से approved है, location अगर rent, जो कि मैंने जो सबसे important point है, rent अगर आपकी pocket के अंदर आता है, कोई issue नहीं है, वहाँ 5 का 6 जिम का 7 जिम जितने भी जिम है होने दीजिए। What exactly you need to see, your staff need to be best, that is one, your equipment need to be best, your services need to be best, your gym need to be clean, and you will be a rock star very 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 soon. Yeah, Chetan, understood? So the next question is from where we should buy the equipments? ये देखिए, मैं ये जो प्रश्न है ना, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लेते हैं, जब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं इक्विपमेंट कहाँ से बाई करूँ। सो माई डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस वंस फॉर ऑल, वी डोंट प्रमोट एनी कंपनी, वी डोंट प्रमोट मैट्रिक्स, वी डोंट प्रमोट साइबेक्स, एंड वी आर नो वन टू प्रमोट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई कैन नॉट टेल यू कि आप इक्विपमेंट कहाँ से लें, इक्विपमेंट किस तरीके से परचेज कीजिए। बहुत सारी कंपनीज हैं इक्विपमेंट्स की, 50 से ज़्यादा कंपनीज हैं इक्विपमेंट्स की। आप ये देखिए, खुद मार्केट रिसर्च कीजिए कि कौन सा इक्विपमेंट आपके लिए बेस्ट है। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक कंपनी के बारे में इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं तो उसका पोस्ट सर्विस रिकॉर्ड ज़रूर से चेक कीजिएगा, बिकॉज द कंपनीज एक्चुअली दे आर न्यू कंपनीज, दे सेल देयर इक्विपमेंट्स बट दे डोंट हैव अ सर्विस सपोर्ट सिस्टम। जब उनके पास सर्विस सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, इक्विपमेंट तो आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। तो ये ज़रूर से देखिए कि आप जब भी इक्विपमेंट लेते हैं उस कंपनी का आफ्टर सेल सपोर्ट सिस्टम क्या है। अगर उस सर्विस का, उस कंपनी का आफ्टर सेल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो चाहिए, आंख बंद करके इक्विपमेंट लीजिए, कोई इशू नहीं है अगर आपको इक्विपमेंट पसंद है। वी डोंट प्रमोट एनी कंपनी, वी डोंट प्रमोट एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ जिम? ओके, सो द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ जिम, हियर इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज, एंड आई से इस बिजनेस के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू ओपन अ जिम हियर इज, फॉर एग्जांपल स्पेशली इन प्लेस लाइक दिल्ली, एंड वाई इन दिल्ली, एवरीवेयर, पूरे भारत के अंदर हर जगह पे, कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, वो है एमसीडी की क्लियरेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी एमसीडी से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एमसीडी माने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, अगर आप यूपी में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप देहरादून में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ देहरादून, अगर आप लेट्स से राजस्थान में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान। द फर्स्ट थिंग हियर इज, हम लोगों ने अभी देखा है दिल्ली के अंदर रिसेंटली सीलिंग ड्राइव था, ये सीलिंग ड्राइव अभी और मैंने यूपी के अंदर भी खूब देखा, अभी यूपी के अंदर भी सीलिंग ड्राइव चला। सो ये सीलिंग ड्राइव अगर आपकी प्रॉपर्टी एमसीडी से अप्रूव नहीं है, आप उसमें पैसा लगाएंगे, आप उसके अंदर अपनी मेहनत डालेंगे, आज नहीं तो कल आपकी प्रॉपर्टी खतरे में आ सकती है। तो द फर्स्ट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू सी हियर माय डियर फ्रेंड हियर इज दैट व्हाटएवर प्रॉपर्टी यू इट नीड टू बी अप्रूव्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द एरिया वेयर यू लिव। एंड द सेकंड थिंग हियर इज दैट व्हाट द सेकंड डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, हम जीएसटी के अंदर आते हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
हमारे बिजनेस के ऊपर 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो वो 18% जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसका नंबर आपको लेना पड़ेगा अगर आपकी टर्नओवर जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे ज्यादा है। आजकल जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो 20 लाख रुपए है, आगे आने वाले समय के अंदर स्पेसिफाइड लिमिट समय के समय चेंज होती रहेगी, तो प्लीज बी अपडेटेड विद द सिस्टम, राइट। सो टू बेसिक डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मैनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जिम सेटअप मास्टर्स एंड हाउ इट वर्क्स। ओके सो गाइस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग, एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज के व्हाट एक्चुअली जिम सेटअप मास्टर्स एंड मसल मास्टर्स इज ऑल अबाउट और ये किस तरीके से काम करता है। बहुत लोगों के आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर, कैन आई टॉक टू यू, और क्या आप मदद कर सकते हैं जिम खोलने के लिए, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिम खोलने के लिए, जिम सेटअप मास्टर्स कंपनी क्या है, जिम सेटअप मास्टर्स कंपनी किस तरीके से काम करती है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अ इक्विपमेंट कंपनी, वी आर नॉट अ लोन कंपनी, वी आर नॉट अ प्रॉपर्टी कंपनी, वी आर जस्ट अ कंसल्टेंसी कंपनी। ये कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको हेल्प करती है स्टेप नंबर वन से लेके यानी कि फाइंडिंग अ राइट प्रॉपर्टी टू द लास्ट स्टेप, एंड द लास्ट स्टेप हियर इज के किस तरीके से क्लाइंट्स को एक्वायर किया जाए। गाइस वी आर नॉट अ लोन कंपनी, हमको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि सर लोन दिलवा दीजिए, हम लोन नहीं दिला सकते, हम सिर्फ कंसल्टेशन कर सकते हैं आपको कि लोन किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर किस किस प्रकार के लोन हैं और किस किस प्रकार से आप ये लोन ले सकते हैं। लोन लेना इज योर क्रेडिबिलिटी, रेंट देना इज योर क्रेडिबिलिटी, रनिंग gym is your credibility. We can only give you complete consultation and that consultation is also not free of cost, my dear friends. We give you the consultation कि किस तरीके से आप अपना जिम को चला सकते हैं और किस तरीके से अपने जिम को आप बना सकते हैं। जिम सेटअप मास्टर्स हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अब तो मतलब 50 बहुत कम समय हुआ है ये कंपनी शुरू किए हुए मेरे को, 50 से ज़्यादा जिम, इनफैक्ट 60, वी हैव क्रॉस 60 नाउ, 60 से ज़्यादा जिम हम लोगों ने सेटअप कर चुके हैं इस बहुत छोटे समय के अंदर, 7-8 महीने के अंदर, एंड द कम्प्लीट कंसल्टेंसी इज देयर एंड दे आर रनिंग वेरी 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 सक्सेसफुल। सो थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स फॉर हियरिंग मी, होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, दैट इज 9999689818। ये नंबर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्रीन में नीचे लिखा भी आ रहा है बहुत देर से, ये ऐसा नंबर है जो नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे काम करता है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है जिम सेटअप को लेके। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमारी टीम आपको रिवर्ट करे समय के साथ और आपको मदद करे एक बहुत अच्छे से अच्छा जिम सेटअप करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वंस अगेन माई डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है मसल मास्टर्स बाय सचिन, रियल कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट, कंटेंट फुल ऑफ कंप्लीट रिसर्च एंड एजुकेशन माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, थैंक यू सो मच चेतन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी वेयर वी कैन एक्चुअली टॉक टू ईच अदर, थैंक यू।